बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सना। आज हम चिकन बादामी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये दो ब्रेस्ट ली हैं जो हाफ के जी के करीब हैं। ऐसे मैंने लंबी लेयर में इन्हें काट लिया है। दो दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून नमक, आप नमक हसबे जायका डालिएगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया है। 1 पाव के करीब हमारे पास दही है। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 4 ग्राम हमारे पास बादाम है जिन्हें मैंने चॉप कर लिया, पहले बॉईल किया फिर इन्हें चॉप कर लिए। 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ की, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ है। सबसे पहले हमने दही लिया और इसमें हमने ये सारे मसाले ऐड कर दिए। चम्मच के साथ हमने सारे मसाले मिक्स कर देने। ये देखें जी, सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कढ़ाई हमने ली, इसमें हमने 1/2 कप ऑयल का डाल दिया। आप चाहे घी में बनाएं, एज यू लाइक। प्याज डाल दिया ऑयल में हमने, प्याज को बस हमने गरम किया है और चिकन डाल दिया। चिकन को प्याज के साथ हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। चिकन का पानी हमने ड्राई करना है। जब चिकन इस स्टेज पे आ जाए, देखें बिल्कुल प्याज भी नरम हो चुकी है और बहुत कम लग रही है। बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है चिकन का भी और प्याज का भी, और ऑयल इसका एक्स्ट्रा हो चुका है। 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं। अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। 1 मिनट के लिए हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई करने। ये सारा अमल हमने तेज़ आंच पे किया है। लहसुन अदरक को फ्राई होने के बाद हमने इसमें दही ऐड कर दिया और साथ ही टमाटर भी डाल दिए। टमाटर को गर्म पानी में हमने एक जोश दे के इनका छिलका उतार दिया और फिर इन्हें काट दी। अच्छी तरह हिलाने के बाद तकरीबन 1/2 कप हमने इसमें पानी डाल दिया और अच्छे तरह गर्म होने के बाद फिर हम आंच आहिस्ता की, और 1/2 कप पानी डालने के बाद हमने अच्छे से इसे देखें, जोश आ गया, ये पक गया, स्टीम बन चुकी है इसमें। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लाइट सी आंच पे दम देंगे, इसे कवर करेंगे। अब हम चिकन को चेक करते हैं। ये देखें काफ़ी पानी इसका ड्राई हो चुका है और चिकन भी गल चुकी है। इस स्टेज पे हम नमक चेक कर लेते हैं और साथ ही हमने 1/2 बादाम इसमें ऐड कर दिए। कुछ बादाम हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। गरम मसाला भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम तेज़ आंच करके चिकन का पानी ड्राई करते हैं। तेज़ आंच पे पानी को ड्राई करते करते जो बादाम हमने डाले हैं उनका टेस्ट आ चुका है चिकन में, और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें ऑयल एक्स्ट्रा हो गया। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब तक पानी ड्राई ना हो हमने चिकन को भूनना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है, बहुत लजीज बना है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। चिकन बादामी हमारा बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े का बना है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा और हमारी रेसिपी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।